हमारा युवक साहब। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर आपके सिर्फ और हाउस के दो तीन मिनट लूंगा, इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। सबसे पहले पॉइंट तो जनाब स्पीकर ये है कि खत्म नबूवत के हवाले से इसी मौजूद ज़बान ने आज से 50 साल पहले कानून पेश किया था और अहमदीज को गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया था। तो हमारी तजवीज़ है जनाब स्पीकर कि यहाँ पे हम लोग उस चीज़ को 7 सितंबर के दिन यहाँ पे इजलास ज़रूर होना चाहिए और उसके दिन यहाँ पे हम लोग इसको रेजोल्यूशन के तहत लाएँ। बोथ हाउसेस का हमारा जॉइंट सेटिंग यहाँ पे होनी चाहिए और उस पर हम लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट करें, नंबर एक। दूसरी चीज़ जनाब स्पीकर यहाँ पे बहुत अहम है कि आज बड़ी तश्वीशनाक एक चीज़ मैंने अखबार में पढ़ी है, डॉन अखबार में है, और इस पर मैं तजवीज़ भी पहले मैं तजवीज़ देता हूँ और फिर मैं पढ़ के सुनाता हूँ जनाब स्पीकर कि हाउस अंडर रूल 244(5)(b) और 245 के तहत एक स्पेशल कमेटी बनाए। और उसकी वजह यह है जनाब स्पीकर कि यहाँ पे वाजे तौर पे लिखा हुआ है कि आपके ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज डिफेंस सेक्टर के हवाले से उन्होंने उसकी निशानदेही की है और ये कोई छोटी अमाउंट्स नहीं है। ये तकरीबन आप समझें जनाब स्पीकर कि डिफेंस सर्विसेज में उन्होंने वाजे तौर पर लिखा है कि जो खरीदारी हुई है उसके अंदर सही प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया, आपके वेंडर्स जो हैं वो आपके फॉलो नहीं किए, उनको नहीं सेलेक्ट किया गया या उनको नहीं लिया गया आपके पेपरा रूल्स के तहत। उसके बाद जनाब स्पीकर आपका तकरीबन ये अमाउंट जो है ये 1.563 ट्रिलियन यानी के 1553 अरब रुपए जो हैं वो एलोकेट किए गए थे और ये ज्यादा किए गए 1592 अरब बनाए गए थे सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के बाद। और इसके ऊपर भी ऑडिट ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा आई हैं और ये मुतबातर कई सालों से आ रही हैं। और सबसे अहम चीज जनाब स्पीकर ये यहां पे ये लिखी गई है कि आपके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उन्होंने लिखा है जनाब के इन्होंने 372 पब्लिक अकाउंट्स डायरेक्टिव्स के जो यहां से इश्यू हुई है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, सिर्फ 109 पे कंप्लायंस हुई है और जो बाकी भी फॉर्मेशंस में आपके मुसल्ला फौज के या आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के फॉर्मेशन लेवल पे भी बेतहाशा इरेगुलरिटी सामने आ रही हैं। और ये मैं समझता हूं कि जिन साहब जो ऑडिटर जनरल ने ये किया है उनको हम लोग सराहते हैं कि बाकायदा उन्होंने एक एक चीज इसके अंदर देखी है। और यहां पर जनाब स्पीकर मैं समझता हूं कि ये सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जुमरे से निकल गया, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दे दी हैं, पर दूसरी तरफ डिफेंस कमेटी ऑफ द नेशनल असेंबली वो एक दूसरा काम करती है। यहां पे एक स्पेशल कमेटी चाहिए होगी जिसका मैंडेट बड़ा फोकस्ड होगा और वो आप बना सकते हैं जनाब स्पीकर कि ये इरेगुलरिटीज जो पूरा प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है जो आपकी कंप्लायंस है फॉर्मेशन लेवल तक उस पर क्या कुछ हो रहा है उसके ऊपर नजरसानी होनी चाहिए और उस पर रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए क्योंकि वास्ट अमाउंट्स इन्वॉल्व्ड है। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर इस बात को भी मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि जस्टिस जहांगीरी साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस हैं, उनके डिग्री के ऊपर जो ये सिलसिला चल रहा है हम लोग इसको कंडेम करते हैं और ये डायरेक्ट इंटरफियरेंस है और दबाव है जुडिशरी के ऊपर जिस तरह इस्लामाबाद के 6 जजेस के ऊपर था। जनाब स्पीकर यहां पे एक और अहम सिलसिला है और इसके ऊपर भी आपके जो मिनिस्टर आपकी जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ है उसको एक्शन लेना चाहिए और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हम लोग इन्फोर्स करेंगे तो मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, रूल ऑफ लॉ होगा आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। जनाब स्पीकर आर्टिकल 370 इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने इसके बारे में बात कही है और हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई रिस्पांस या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया और वो था जनाब के डायलॉग अभी खत्म कश्मीर के ऊपर। जनाब स्पीकर ये इतना अहम मौजू और इतनी अहम चीज
इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है और यहाँ पे हम उन सुमन बुकमन बैठे हुए हैं, ना कोई रिस्पॉन्स, कबूतर की तरह हमने अपना सिर जो है वो रेत में डाला हुआ है। इमीडिएटली फॉरेन मिनिस्टर को आके यहाँ पे पॉलिसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। जनाब स्पीकर, यहाँ पे मैं बात करता हूँ इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस की। इसी फ्लोर पे पीएम ने कमिट किया था जिस दिन आपके हानिया साहब की शहादत हुई थी और उसके बाद इस हाउस ने ज्वाइंट रेजोल्यूशन पेश किया था, तो शाहबाज शरीफ ने यहाँ पे कमिट किया था कि इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस के ऊपर उसकी स्टेटमेंट और पॉलिसी स्टेटमेंट आ गई है। कितने दिन, कितने हफ्ते गुजर गए जनाब स्पीकर, कोई उस पर नहीं आई। या तो हमें बता दें कि वो बेबस है, उसके हाथ में नहीं है और वो यहाँ पे पॉलिसी स्टेटमेंट दे। दूसरी चीज जनाब स्पीकर, यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूं कि आपका वजीर आजम इमरान खान साहब के जेल के हवाले से जहाँ पे बात हुई थी, जो हुकूमत के मेंबर्स ने यहाँ पे बात कही थी, वो नहायत अफसोसनाक, जो आपके प्लानिंग मिनिस्टर ने और एमएनए हनीफ अब्बासी ने बात की थी, नहायत अफसोसनाक। वजीर आजम इमरान खान साहब ने ना एनआरओ लिया, ना वो कभी लेंगे। एनआरओ लिया तो इन लोगों ने लिया, जिस वक्त जनरल मुशर्रफ के कहने पे भी गए थे और उसके बाद भी जो एनआरओ 2 आया था बकायदा, ये लंदन प्लान और जनरल बाजवा के साथ इन लोगों ने एडमिट किया टीवी प्रोग्राम्स पे और उसके तहत वजीर आजम इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया था प्लान के जरिए और आज हम लोग पूरा मुल्क उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। जनाब स्पीकर, आखिरी दो पॉइंट्स मैं कहूंगा कि वजीर आजम इमरान खान साहब की नॉमिनेशन ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के हवाले से, हमारे ओलंपियन गोल्ड मेडल्स लेके आते हैं, उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब चांसलर ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के बनेंगे, पाकिस्तानी है, मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो वहां पर जाएंगे तो मुस्लिम दुनिया की और पाकिस्तान की इज्जत बढ़ेगी और 800 साल हिस्ट्री में पहली बार होगा। आप पैरोकियल सोच, नैरो और तंग नजर से ना देखें, सेलिब्रेट करें बजाय इसके कि आप हैंड रिंगिंग करें और इस पे आप कहें कि जी ये हो गया या वो गया। सपोर्ट करना चाहिए उनकी कैंडिडेचर को। जनाब स्पीकर, यहां पे बात हुई अफराद जर पे, यहां पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन ने बात की, तो जनाब स्पीकर इन्फ्लेशन का पहले मुझे फॉर्मूला तो बता दें, मेजर कैसे करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, होलसेल सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स के बारे में, और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है जनाब स्पीकर, इन्फ्लेशन रेट ऑफ चेंज होता है। आपकी इन्फ्लेशन, आपकी महंगाई कम नहीं हुई, आपकी महंगाई बढ़ रही है, बेस इफेक्ट है। और उसके साथ साथ आप यहां पे जब ये बात कर रहे थे, खुद भी मुस्कुरा के बात कर रहे थे, खुद भी जमीर इनका मुतमईन नहीं था कि जो मैं बात कर रहा हूं सच कर रहा हूं। यहां पे जितने लोग यहां पे बैठे हैं पूरे इस ऐवान में, ऐवान के इस साइड पे, इस यहां पे आपके गैलरीज में, इनसे पूछे महंगाई कम हुई है या क्या हुआ है। कल मैं अपने हल्के में बैठा हुआ था जनाब स्पीकर, खातून का वहां पे मुझे बता रहे थे उसका बिल 35,000 रुपए आया, खानपुर शहर की मैं बात कर रहा हूं मेरे हल्के में, वहां पे खातून का वो केस है जनाब, वो अपने घर का फर्नीचर बेच के वो बिजली का बिल अदा कर रही है और वो गलत माहदों की वजह से, मुस्लिम लीग नून ने वो गलत माहदे किए थे, टेक और पे के फ्रंट लोडेड कॉन्ट्रैक्ट्स। आखिर में जनाब स्पीकर, मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि डिटेल में आपने टाइम दिया, मैं इसका मशकूर हूं। आखिर में मेरी एक बात होगी कि जनाब स्पीकर, आपसे और आपके सेक्रेटेरिएट से ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि यहां पे कोई लेटर क्या आपके सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा है कि वो नोटिफाई करें हमारे मेंबर्स को एज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तौर पे, उसकी क्लैरिफिकेशन दे दें। और जनाब स्पीकर, इस पे आपकी रूलिंग्स ये क्लैरिटी के साथ चाहिए, बिलखसूस ऑन डिफेंस प्रोक्योरमेंट। और आखिरी चीज जनाब स्पीकर, आखिरी चीज ये मैंने पहले भी कही थी, मैंने मेंशन किया था कि जनाब स्पीकर, ये आपका कैनबस का जो कल्टीवेशन और प्लांट आज के लेजिस्लेशन में भी आया हुआ है, लिस्ट में है, ये जनाब स्पीकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में था, डिफेंस का इसके साथ क्या ताल्लुक, मैंने उस दिन भी पूछा था, क्या हम लोग भंग के गोले बना के आगे बरसाएंगे, इसका ताल्लुक कैसे क्या है जनाब स्पीकर। लेट इट रिमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां पे इसका जो पेरेंट मिनिस्ट्री है या जहां पे इस वक्त इन्होंने रिजाइड किया है वहां पे इसका काम है, जरूरी इसको हम लोग कहीं और पे लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।